Hello guys, and welcome to another video of solo leveling. And sorry for the delay video, मैं थोड़ा सा busy थी, इस वजह से ये वाली video थोड़ा late आ रही है. Anyways, let's get started. And before that, please like and subscribe to my channel for more solo leveling videos, ताकि आपसे कोई भी solo leveling की video miss ना हो. In the last episode, हमने देखा था जिनहु और जिनहो को उनकी बाकी की पार्टी ने एक डंजन के अंदर बॉस के रूम में बंद कर दिया था और अब उनके ऊपर प्रेशर है कि वो या तो बॉस को डिफीट करें या फिर बॉस के हाथों से मारे जाए दैट स्पाइडर टाइप बीस्ट. ये वाला एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था. जो बाकी के लोग हैं जिनहु और जिनहो को छोड़कर चले गए हैं डंजन के अंदर और बाहर से उन्होंने पत्थर लगा दिया और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि जैसे ही वो स्पाइडर जिनहु और जिनहु को मार डालेगी वो ऊपर सीक्रेटली एक टनल से जाकर जब वो स्पाइडर सो जाएगी सारे के सारे मोनोस्टोन्स को कलेक्ट कर लेंगे और फिर इस डंजन से बाहर निकल जाएंगे. वो यहाँ पे डंजन बॉस को डिफीट करने के बारे में भी नहीं सोच रहे बिकॉज उनको पता है कि इस डंजन बॉस को डिफीट करना बहुत मुश्किल है. इसकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. दैट्स वाई उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि जिनहु और जिनहो दोनों मारे ही जाएंगे, बच के नहीं निकल सकते. ये तो उस डंजन रूम के बाहर का सीन है पर उस रूम के अंदर कुछ और ही चल रहा है. यहाँ पे जिनहु बहुत ज़्यादा फिकर कर रहा है जिनहु की बिकॉज लास्ट एपिसोड में उसने बोल दिया था कि वो इस डंजन बॉस को खुद अपने हाथों से डिफीट करेगा और उसको पता है कि ये स्पाइडर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसको ऐसा लगता है एक ई रैंक का हंटर कैसे इस स्पाइडर को मार सकता है जो कि एक सी रैंक का. दैट्स व्हाई जिनहु कहता है कि हमें यहाँ पर कोई जगह ढूंढनी चाहिए जिससे कि हम यहाँ से बच के निकल सकें. इसका सामना करना ठीक नहीं है क्योंकि हम दोनों में से कोई नहीं बच पाएगा फिर. पर सांग जिनहु का कुछ और ही ख्याल है इस बारे में. उसको पता है कि उसको सेकेंड अवेकनिंग मिली है और वो कॉन्स्टेंटली लेवल अप कर रहा है पर वो अपने आप को अभी भी वीक समझता है. जो रियल वर्ल्ड के बीच है वो उस वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जहाँ पर वो लास्ट टाइम गया था. मीन्स वो ज़्यादा फियरसम थे और उसको कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जो डर की फीलिंग होती है या फिर कोई प्रेशर होता है. सो ही डिसाइडेड कि वो स्ट्रॉन्ग है और वो इस सी रैंक के बीच को डिफीट कर सकता है. एंड देन दे स्टार्ट फाइटिंग एंड द फाइटिंग एनिमेशन वाज टू गुड. I'm just in love with this animation and the soundtrack. कहना पड़ेगा यहाँ पे A1 Pictures ने बहुत अच्छा काम किया है और इसको देख के मज़ा ही आ गया था. Then suddenly जिनहु realized कि जिस तरीके से जिनहु फाइट कर रहा है ये E rank का hunter नहीं हो सकता और तब उसको समझ में आता है कि ये एक false ranker है. False rankers mean वो लोग जो कि अपनी magic power को छुपाते हैं लोगों से और अपनी रैंक को लो रखते हैं. ये कुछ ऐसे साइकोपैथ लोग होते हैं जो कि मारने में विश्वास करते हैं, मतलब किलिंग उनका शौक है. एज आई टोल्ड यू के फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे थे. सांग जिनहु कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा था कि वो स्पाइडर की स्किन को काट सके पर उसकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड थी, उसका नाइफ जा ही नहीं रहा था अंदर. देन वो स्पाइडर बीस्ट जिनहु के ऊपर एसिड से अटैक करता है जो कि कुछ भी मेल्ट कर सकते हैं. एंड देन जिनहु रियलाइज कि ये फाइट इतनी ईजी भी नहीं है. इस अटैक को देखने के बाद जिनहु अपनी न्यू स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है डैश. नाउ ही कैन मूव सो फास्ट एंड एट लास्ट ही फिनिश्ड हिम. जिनहु बहुत ज़्यादा शौक में है क्योंकि जिनहु ने अकेले ही डंजन बॉस को ख़त्म कर दिया और वो ई रैंक का हंटर. अब उसको लग रहा है कि जिनहु बहुत ज़्यादा डेंजरस पर्सन है तो उसको उसके गुड साइड पे ही रहना चाहिए. दैट्स वाई जिनहु मोनास्टोन्स को कलेक्ट करना शुरू कर देता है जिनहु के लिए ताकि वो उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए. इतने में ही बाकी की पार्टी उस केव से आ जाती है और वो देखते हैं कि डंजन बॉस को मार दिया है किसी ने. लगता है कि जिनहु ने मारा है डंजन बॉस को. दैट्स वाई वो उसको एक प्रपोजल देते हैं कि अगर वो सांग जिनहु को मार डालेंगे तो वो ये सारे मोनास्टोन 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसकी लाइफ बच जाएगी. पर सबको पता है यहाँ पर केस अपोजिट है. सांग जिनहु है जिसने की बॉस को डिफीट किया है, ऑब्वियसली जिनहु वहाँ पर कोई रिस्क नहीं ले सकता. वो जाके जिनहु की साइड खड़ा हो जाता है और सांग जिनहु के साथ लड़ने का फैसला करता है.
देन सडनली उनमें से एक बंदा सांगजिनवू के ऊपर हेड ऑन अटैक कर देता है और तभी सिस्टम उस अटैक के खिलाफ रिएक्ट करता है, जिसमें वो 6-6 उन लोगों को एनिमी डिक्लेयर कर देता है और एक नया टास्क अपीयर होता है जहाँ पर सांगजिनवू को 6-6 उन लोगों को मारना है। एट दिस पॉइंट सांगजिनवू के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अगर उसने उनको नहीं मारा वो उसको मार डालेंगे। सो ही किल्स ऑल 6 ऑफ देम इन अ इंस्टेंट, मींस जस्ट इन अ फ्लैश। यहाँ पे सांगजिनवू को समझ में आ गया था कि सिस्टम उसका इस्तेमाल कर रहा है, एट द सेम टाइम वो भी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, पर सब कुछ ओके है जब तक वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। सांगजिनवू की मेंटालिटी डबल डंजेट वाले इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, क्योंकि उसको वहाँ पे जो रियलाइजेशन हुई थी स्ट्रॉन्ग इंसान ही बच सकता है, वो उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर कर दिया है और वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। एज द रिजल्ट ही इज लूजिंग हिमसेल्फ। अब वो वहाँ से मोना स्टोन्स को एक्वायर करके बाहर निकल जाता है और अपनी रिपोर्ट में ये लिखता है कि 6 लोग बॉस के हाथों से मारे गए। जैसा कि डोंग साक ने कहा था कि डंजन के अंदर जो होता है वो किसी को नहीं पता, ये सब सुनकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती है, क्योंकि जो वहाँ से बच के निकला है वो एक ई रैंक का और एक डी रैंक का हंटर है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉक वाली बात है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई और सोलो लेवलिंग का ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही सोलो लेवलिंग की और वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।